भी जानकारी देते हैं, जहां पर दाता रामगढ़ में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस ने सीएलजी और शांति समिति की सदस्यों की बैठक आयोजित की है। इस दौरान पुलिस ने त्योहार को शांति सौहार्द और भाईचारे के साथ मिलकर मनाने की अपील की है। बैठक के दौरान एसएचओ ने कहा है कि अक्षय तृतीया पर बाल विवाह नहीं हो सके, इसको लेकर भी लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर बाल विवाह संबंधी अगर किसी को सूचना हो तो तुरंत पुलिस को बताए, उसके बाद तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आगामी 3-4 दिनों में 3 बड़े त्यौहार आने वाले हैं, जिसमें प्रमुखतया ईद का त्यौहार, उसके अलावा परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का त्यौहार आने वाला है। जो तीनों बड़े आयोजन हैं, जिसके लिए आज इलाके के प्रबुद्धजनों, सीएलजी और शांति समिति की मीटिंग ली गई, जिसमें सभी को ये त्यौहार शांतिपूर्ण और सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने का आह्वान किया। सभी ने आश्वासन दिया है कि इलाके में पूर्णतया प्रेम और सद्भाव का भाव है और अक्षय तृतीया पर मुख्यतः जो नाबालिग बच्चों की शादी की शिकायतें आती हैं उसके ऊपर निगरानी भी रखी जा रही है। सीएलजी सदस्यों से भी इसके बारे में सूचना देने और जागृति फैलाने हेतु कहा गया है और कोई इस प्रकार की सूचना आएगी तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।